नमस्कार, एसएस फूड्स एंड पिकल चैनल हावदेन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आए आज हम अपने दिन की शुरुआत एक नई वीडियो से करते हैं। आज हम आपको कटहल, जिसे अंग्रेज़ी में जैकफ्रूट कहा जाता है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। कटहल फ्रूट भी है और जड़ी बूटी भी है। ये जो हम आपको पेड़ बता रहे हैं, ये लगभग 40 साल पुराना पेड़ है। कटहल दो प्रकार का होता है, एक नर और ये दूसरा मादा। ये जो चौड़े पत्ते वाला है, ये नर कटहल माना जाता है। इसका फ्रूट यहाँ पर बहुत महंगा बिकता है। नर कटहल जो है, इसका मैक्सिमम फ्रूट जो है लगभग 25 से 40 किलो तक का तने पर, पत्ते पर, हर तरफ पर लगता है। इसको यहाँ पर प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बरसात में इसको नॉन वेजिटेरियन खाद डालते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाद की वजह से इसको दक्षिण भारत, उत्तर भारत कहीं पर भी इसको प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें मछली मीट की खाद डाली जाती है। इसको मांसाहारी वृक्ष बोलते हैं। ताज्जुब की बात है कि जब हम इसके जड़ में मछली मीट मिट्टी में या रेत में मिलाकर डालते हैं, तो चंद दिनों में इसकी तने के नीचे से तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं। हम इसमें मछली और फिश की जो छिलका है, उसको रेत में मिलाकर या गोबर की खाद में मिलाकर डालते हैं। इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट आता है। हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देसी खाद का प्रयोग करते हैं। ये देखें, इसमें अब नया फूल और नमी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, कटहल जो है बरसात जहाँ पर ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। खुश्क इलाकों में कटहल को हम नहीं लगा सकते। यही नहीं, इसमें जब हम इसके इस तरह से यहाँ इस भाग में से जब हम इसको तोड़ते हैं, तो एक तरह का दूध निकलता है। या जब कटहल की फ्रूट की कटाई होती है, तो इसमें दूध निकलता है। उस दूध को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि जो दूसरे वृक्ष होते हैं, जैसे बोड़, नीम, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।